हाई एवरी वन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज हम करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट आज घर पे खाना बनने वाला है दो दिनों के बाद। कल रात का भी डिनर हम लोगों ने निशा के घर पे कर लिया था, एंड आज क्योंकि डिनर बनने वाला है तो पहले अभी विकी शाह लेने के लिए गया, फिर मैं शाह लेने के लिए जाऊंगी, फिर हम लोग पूजा वूजा करने वाले हैं। काफी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ है कि अरे आपका ये घर तो बिल्कुल प्रीवियस घर के जैसा है। I think आपने शायद कोई वीडियो मिस किया है बीच वाला, आई एम श्योर। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं बैल्कनी को इस तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ ना कि बाहर के व्यू कैसा भी हो उस पर नजर ही नहीं जाने वाली है। ऐसे थॉट्स मैंने सोच करके रखे हैं। ये हमारा सेटअप है, यहाँ पर हम सोते हैं, वो हमारा पिलो है, ये निशा की बेडशीट है, नीचे ब्लैंकेट, एक एक्स्ट्रा बेडशीट में लेके आई थी यहाँ पर ढाकने के लिए, और ये हमने चादर लगा दी है। ये टेबल हम लेके आए थे फोल्डिंग वाला, ये चेयर हमने सामने जो एक दीदी रहती है उनसे बोरो करी है, और उसके बाद मैं किचन बताती हूँ आपको। तो ये भी किचन का हम कुछ कुछ सामान लेकर के आए, ये सारी चीज़ें मैं अभी फटाफट शाल लेकर के आती हूँ। मेरे बर्तन बहुत ही लिमिटेड बेसिक जो बर्तन होते हैं मैं सिर्फ वो भी लेकर के आई थी। सो जस्ट टुक शार एंड आ गए हम लोग हमारे किचन में। एक्चुअली यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये सब बना हुआ है, ये ऑलरेडी पूजा का बना हुआ है एंड यहाँ पर मैंने अभी पूजा कर ली है, अब मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी तो सब कुछ काफ़ी कुछ ऐसे फैला हुआ है, तो जिन डब्बों में मेरी मम्मी ने सामान रख के दिया था इन्हीं को मैं वॉश करती हूँ और ये सब भरती हूँ। बाकी मेरी मदर इन लॉ ने ना ये सारे मसाले वसाले पैक कर दिए थे, ये हम लोग लेकर के आ गए हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें। हम हमारे कपड़े खुद धो रहे हैं, बर्तन खुद मांझ रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं है अभी घर में तो एकदम, टीवी नहीं है, सो जो एक होता ना ऐसे सात्विक जीवन जी रहे हैं, खा थोड़ा थोड़ा बाहर का रहे बस, वो अगर हम और प्योर खाने लगे ना तो बिल्कुल हमारा एकदम ऐसा हो जाएगा, मिनिमल लाइफ जो होती है ना वैसे। Boys don't cry under the influence, you and I. कम चीजों में आपको कैसे सरवाइव करना है वो वाला चीज हो रहा है। Did not make a sense. Hello guys, तो आज है डे, पता नहीं वेनेसडे, हाँ, क्योंकि आज विक्की 2-2.5 सालों के बाद ऑफिस गया है। हालांकि वो भी निकल गया क्योंकि वो सुबह बहुत निकल गया था, 7:15 में निकल गया था, तो उसको तब ज़्यादा टाइम भी ट्रैफिक कम मिला और अभी वो टाइम पे निकल आएगा तो आते टाइम भी उसको ट्रैफिक कम मिलेगा। तो एंड गेस व्हाट, ओह माय गॉड, अनन्या अभी आ रही है। सो एक्चुअली क्या हुआ, जैसे अनन्या से ऑब्वियसली शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर भाई और मेरा घर बन रहा है, जब मैंने घर खरीदा भी नहीं था ना, जब मैंने घर प्लान भी नहीं किया था, तो अनन्या वॉज द वन जिसने मुझे बोला था तू जब भी घर लेगी ना, मम्मी के भी घर के लिए, इनफैक्ट जब मम्मी का घर था ना तो उसने बोला था कि आंटी का घर अपन बहुत अच्छे से वो करेंगे और मैं सब बता दूंगी क्या क्या लगाना है, क्या क्या करना है, और ऑब्वियसली मेरा होगा। तो उसने मुझे मैसेज पे भेज दिया था, उसने मुझे बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, 4-5 चीज़ें मैसेज कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली इतफाक देखो कि ऐसा हुआ है, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी कि मैं इस टाइम पे आ रही हूँ तो तू भी इस टाइम पे आए, जस्ट बिकॉज हमारा तो हमको तो आना ही था, इसको ज्वाइन करना था। एंड इतफाक ये हुआ है कि अनन्या का भी प्रोजेक्ट जो हमारी सोसाइटी में ही है वो कर रही है, और कल मैं वो प्रोजेक्ट देख करके आई 5 BHK अपार्टमेंट, ओ माई गॉड, आई वॉज ब्लोन अवे। मतलब मैंने उसको तुरंत आकर के मैसेज किया कि भाई मज़ा आ गया मुझे वो देख करके, तो आज वो आई है वही प्रोजेक्ट देखने के लिए, एंड वो यहाँ पे भी आने वाली है, हम लोग 2-2.5 साल बाद मिलने वाले हैं, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और उसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अब तो यहाँ चलते रहते हैं और मैं यहाँ रहने वाली हूँ, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कभी भी आएगी तो हम मिलते रहेंगे फ्रीक्वेंटली, बट अभी हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एंड ऑल, तो आई एम रियली एक्साइटेड। हेलो गाइस, तो ये देखिए, हेलो, इतनी इज्जत से क्यों, नमस्ते करें। हम लोग 3 साल बाद मिले हैं और 2-2.5 साल हो गए हैं, हाँ। कोविड के वजह से वैसे लग नहीं रहा है कि 2-2.5 साल बाद मिल रहा है, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे आई हूँ और रुचि का नया घर देख रही हूँ और हम लोग कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, अभी तो हम लोग बाहर कॉफी पीने जाएंगे, हाँ। लेकिन जो होने वाला है वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो रुचि आपको देख रही है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये कौन सा सरप्राइज है, ये सरप्राइज मुझे भी नहीं, मैं भी सरप्राइज ही हूँ, वो भी सरप्राइज ही है कि क्या सरप्राइज होने वाला है, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा सरप्राइज है और हम दोनों के लिए बहुत बड़ा, इसी को पता ही है। आप वीडियो देखते रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मुझे भी जाके फॉलो कर लेना, तब जाके आपको पता चलेगा कि सरप्राइज क्या था। सही बात है, उसके लिए आपको 2 महीना वेट करना पड़ेगा। सही बात है,
सो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफी ऑफ कॉफी डेट पे जा रहे हैं. ये अपने घर की पार्टी दे रही है, मैं अपने घर की पार्टी दे रही हूँ. हम दोनों एक दूसरे को पार्टी दे रहे हैं. जैसे ही आए ना तो इतना तेज चीखे हैं, इतना तेज चीखे हैं कि हमारे आजी बालू वालों के गेट खुल के बाहर आ गए. भाई क्या हो गया, क्या हो रहा है? और फिर एक बार नहीं, गेट बंद करके फिर चीखे गले मिले, फिर तीसरी बार कुछ गलत हुआ है लेकिन मतलब अभी क्या कर सकते हैं सीरियसली यार. और तीसरी बार फिर गले मिलके फिर चीखे, मतलब हमारा वो ही खत्म नहीं हो रहा था कि हम मिले हैं इतने टाइम बाद. मैंने रुचि को बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ. हाँ. मैंने उसको बताया नहीं कि मेरा कन्फर्म चेंज होता रहता है, लेकिन जब हुआ मैंने बोला मैं आ रही हूँ और मिल रहे हैं फाइनली इस बार. मैंने भाई बताया हमारा डिसाइडेड नहीं था कि हम दोनों सेम टाइम पे आ रहे. मुझे पता भी नहीं था ना, इसको पता था, तेरे को पता था क्या? हाँ पता था. हाँ, तो मैंने तुझे नहीं बताया क्योंकि बाद में और बाद में चेंज हो जाए वो नहीं अच्छा लगता है फिर. हाँ, सो ये ओके गाइस, सो अभी हम लोग आए हैं यहीं पर अरोमा बिस्त्रो बिस्त्रो करके कुछ तो भी है वहाँ आए. तो हम लोग देख रहे हैं क्या लें क्या नहीं. तो मैंने इसको बोला मैं लेने वाली हूँ ट्रिपल चोको चंक ब्राउन एंड ब्लेंडेड विद रिच वनीला एंड फ्रेश एस्प्रेसो. अब रुको, तो बोला ये सुन के मेरे 2 किलो वजन बढ़ गए खाने का तो भूल ही था. तो मैं नेचुरली आया था लेकिन सच्ची में यार उसने चॉकलेट ब्राउनी सब कुछ डाल दिया एक ही चीज में. सुनो, हमारे जैसे लोग ना स्ट्रगल करते हैं वेट बढ़ाने के लिए, और हम जैसे लोग ना ऐसे सुनते भी हैं सच्ची में मैं वेट करूँ ना 2 किलो ज्यादा मिलेगी, 2.5 भी हो सकती है. बहुत 2 दिन बाद चॉकलेट बोल दिया इसने. मैं खाने वाली हूँ ये क्रियोला पोटैटोज गोल्डन फ्राइड क्रिस्पी बेबी पोटैटो टोस्टेड इन क्रियोला स्पाइसेस टमेटोज अनियन विद लाइम. और नहीं जा सकते, मेरा 4 किलो वजन बढ़ गया है सुन सुन के. बस खाने का तो छोड़ दो, मैं पीने वाली हूँ, सुन लो मेरी बात सुनो. मैं पीने वाली हूँ बिना चीनी का कैपेचिनो विदाउट शुगर. और मैं देख रही हूँ कैलोरी का अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है भाई, तो उसके बाद ग्रीन टी पी लूंगी. आप ग्लास देखिए, इसमें एक चॉकलेट का पीस मैं खा चुकी हूँ और ये आइसक्रीम है. अब इस ग्लास का साइज देखिए, अंदर अंदर वो भी आधा. ये शॉट्स है वैसे, जिनको नहीं पता है दिस इज अ कॉफी शॉट्स है ना, मजा आ गया. हाई एवरीवन, सो मैं आप लोगों से आई थिंक बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड बहुत ही गंदी गंदी मतलब गंदी वाली कंफ्यूज थी. आप सोचो हमको आए हुए ऑलमोस्ट 12, हम आ गए थे यहाँ पे 4 या 5 को. आप तो ये वीडियो बहुत लेट देखने वाले हो, हमको आए हुए प्रॉपर 8-9 days हो गए हैं. एंड हम जिस दिन आए थे जस्ट उसके नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे पता करने के लिए कि किसको किससे हमको काम करवाना है. एंड वी टुक लिटरली 9 days. और हम डेली रात में आकर के, मैं अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाती थी कंपेयर करने के लिए. हम डेली रात में आकर के इतना कंफ्यूज जाते थे कि किससे काम करवाना है. हमको ये तो समझ में आ गया था कि क्या रेट चल रहा है मार्केट का और इससे कम में जो चीज़ हमको करवानी है वो होनी ही नहीं है. लेकिन फिर भी डेली रात को आकर के वही पोजिशन पर समय हो जाता था. फाइनली वी हैव फाइनलाइज्ड वन गाय. डिटेल्स दूंगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किससे करवा रही हूँ क्या करवा रही हूँ. पहले थोड़ा काम का शुभारंभ हो जाए उसके बाद करेंगे. तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ. तो कल हम लोग थोड़ा जो भी हमको फाइनलाइज जैसे एक आध जगह की हम टाइल्स चेंज करवा रहे हैं तो वो टाइलिंग वाइलिंग हमको पसंद करने के लिए जाना है वो कल जाएंगे. एंड कल हम लोग वापस भोपाल भी निकल रहे हैं. रात में हमने ट्रेन बुक कर ली, हम हमारी कार जो है वो यहीं छोड़ के जाने वाले हैं. फिर से आने वाले हैं, विक्की का ऑफिस रहने वाला है तो तब फिर एक हफ्ते के लिए आएंगे, देखते हैं जैसा भी है. तो तब बाकी चीज़ें जैसे कि किचन की वाटर प्यूरीफायर हो गया और जो बेसिक बेसिक चीज़ें लगती है वो तब हम लोग परचेस कर लेंगे. अभी मैं जा रही हूँ निशा के घर, 5 दिन से वीडियो नहीं डाला है. वो फाइनली रीच डियर. मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट गाड़ी को निकालने में, तो ट्रैफिक में निकालने में मुझे अभी टाइम लगेगा. मतलब मैं प्रॉपर अपना थोड़ा एकदम जैसे कॉन्फिडेंस में मैं भोपाल में निकालती हूँ ना वो वैसा निकालने में मुझे यहाँ थोड़ा सा डर है. क्योंकि हालांकि अभी तो रोड्स पूरी खाली थी बट फिर भी मेरे को थोड़ा कॉन्शियस हो रही थी. छोटी गाड़ी होती तो मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से चला लेती बट ये बड़ी है ना तो थोड़ा डर लगता है मुझे, काटने वाटने में दिक्कत आती है. तो हम पहुँच गए हैं. मैं आ भी गई थी, आ करके खा भी लिया, खाने के बाद गप्पे भी मार लिए, गप्पे मार के मैं सो भी ली और सो के मैं उड़ भी गई हूँ. मतलब अभी मैंने लिम्बा वगैरह लगा लिया है. तो निशा भी चेंज कर रही है, वो एक्चुअली ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को. भाई अभी वो मुझे अपने चैट वैट दिखा रही थी, बच्चों जिनको ट्यूशन पढ़ाती है उन बच्चों के मार्क्स आते हैं एकदम फुल आउट ऑफ फुल.
तो वही अभी ट्यूशन जा रही है पढ़ाने के लिए एंड मैं उनको ड्रॉप करूंगी और फिर मैं वापस घर निकल जाऊंगी क्योंकि कल हम लोग मुंबई निकल रहे हैं. अब आएंगे थोड़े दिनों बाद एंड ये देखिए निशा जहाँ पे रहती है ना निशा उनके घर के सामने इतना सही ब्यूटिफिकेशन हो रहा है. लेट मी शो यू. ये देखिए ये आपको दिख रहा है दिस इज द लेक. ये पूरा लेक है एंड ये पार्क इन्हें कंस्ट्रक्ट कर दिया है. पहले ऐसा मतलब ऐसा वेस्ट टाइप का लगता था बट नाउ दे आर ब्यूटिफाइंग इट एंड यहाँ से ये पाथ निकल के जाने वाला है. और जो मेरा पहले घर था ना उसके सामने जो बिल्डिंग मुझे दिखती थी कंस्ट्रक्ट होती हुई ये पूरी बन गई है. तो मतलब सामने वाला जो घर का व्यू है वो पूरा कट हो चुका है. वो रही हमारी बिल्डिंग. वो है ये आंटी ने घर लिया है निशा की मम्मी ने इस बिल्डिंग में. तो सब बिल्कुल ऐसे एंड लुक एट दिस बहुत सुंदर लग रहा है ये. अंडा मारा हम सबके बारे में अंडे लगे हुए अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी चाची के घर पे. इससे पहले हम लोग यहाँ पर थे फ्रेंड्स लोगों के घर पे और हम वहाँ जा रहे हैं. लेट्स सी देखते हैं वहाँ क्या होता है. बिल्कुल गो जा 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 तो गया वो तू बाल्टी है ना तेरे पास. ओ शॉट ये हमारा योद्धा जा रहा है. ये हमारे दोनों योद्धा बाल्टियां भर रहे हैं. नहीं 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 अरे नहीं गिरे. ये देखो ये बच्चों के ऊपर गई है. गाइस सो फाइनली मैं आपसे अभी मिल रही हूँ. एक्चुअली अभी इतना कियोटिक मतलब समझ में नहीं पा रहे हो कि मैं किस स्पेस ऑफ माइंड में हूँ. भागा दौड़ी यहाँ वहाँ वहाँ से यहाँ. फिर होली स्टार्ट हो गई नेक्स्ट डे एंड होली के जस्ट एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए थे तो इसलिए मैं मिल नहीं पाई आप लोगों से. तो आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ एंड फाइनली होली वोली सब मस्त तरीके से सेलिब्रेट हो गई. आई एम श्योर आप लोगों ने भी अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी. तो अब हम लोग वापस से मुंबई निकलने वाले हैं थोड़े टाइम में. तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी डेफिनेटली कब जाएंगे. अभी थोड़ा हम लोगों का जो ये पेन एक होने वाला है वहाँ यहाँ ट्रैवलिंग वाला. होली में ना जैसे मैंने तो बहुत कलर लगाया नहीं था बट विक्की ने खतरनाक तरीके से उसके फेस पे जो कलर होता है ना वो लगाया था जो पक्का कलर होता है. वो तो हर्बल करते रहते हैं बट आपने हर्बल लगा दिया बट जरूर थोड़ा सामने वाला आपको हर्बल लगाएगा. तो विक्की के ऊपर जो पक्का रंग होता है वो चिपका दिया था किसी ने. मुझे भी याद नहीं पता नहीं किसने लगाया था. तो उसने उसको ना मैंने ये दे दिया था मामा अर्थ का माइसेला वाटर. मैंने पूरा इससे एक बारी में मेरे फेस पे से कलर निकल गया था. इनफैक्ट विक्की का भी जो कलर है ना वो
इससे माइसिला वाटर वैसी मेरा फेवरेट है, मतलब फेस वॉश मेकअप रिमूविंग के लिए दिस इज़ दी बेस्ट, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। तो विक्की के फेस से भी जो इसने कलर पक्का रंग जो होता है ना वो निकाल दिया था। नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर अ होली लवर और आप इस तरीके की होली खेलते हो ना, डेफिनेटली गेट योर हैंड ऑन दिस वन। हम लोगों ने फेस पे सिर्फ क्या किया था, एलोवेरा जेल लगा लिया था और उसके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली थी, दैट्स इट। बहुत सट से कलर निकल गया था। आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, मैंने ना त्रिचप के ये शैम्पू मंगवाए हैं, एक तो ये हर्बल शैम्पू आर्गन है और एक ये हर्बल शैम्पू एंटी डैंड्रफ है। आपको याद होगा मैं इसी का एक स्पा क्रीम भी यूज़ करती हूँ। इसका एक और वर्जन है स्मूथ शैम्पू जो कि मुंबई में रखा हुआ है, मैं वहीं छोड़ के आ गई हूँ। आई रियली लाइक देयर रेंज। ये जो एंटी डैंड्रफ वाला है थोड़ा सा ड्राई करता है आपकी स्कैल्प को, बट आई रियली लाइक इट। मतलब एक तो हर्बल शैम्पू है, दूसरी चीज़ ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। आप सोचो ये 160 रुपीज़ का आता है, ये 220 रुपीज़ का आता है, डिस्काउंट में आपको ये 140-120 का मिल जाएगा। तो आप मास्क और साथ ही साथ इसका शैम्पू डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, अफोर्डेबल एंड बहुत सही वर्क करते हैं बालों में, लिटरली बहुत सही वर्क करता है। सो यस, आज का जो वीडियो ना वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट जो भी अपडेट है, अभी टीनू और सैम भी आए हुए हैं बिकॉज टीनू की फर्स्ट होली है, तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। अभी हम घूमने फिरने, मतलब कहीं कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, ऐसे चिल मार रहे हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक बटन। आई नो वीडियो बहुत ऐसे सिंक में नहीं हो रहा है, आगे पीछे कुछ का कुछ कभी का कभी हो रहा है, बट थोड़ा सा झेल लो, अभी ये एक दो मंथ ऐसा चलेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।